नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रेकिंग विद एजेंडा में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो आज चर्चा लोकसभा में हुए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर तीन दिन तक चली चर्चा के बाद कल वोटिंग हुई और ध्वनिमत से विपक्ष का यह अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के प्रस्ताव पर जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष और उनके इंडिया गठबंधन पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया नहीं घमंडिया गठबंधन है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की भी गारंटी दी। उन्होंने कहा, यह गारंटी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। तकरीबन 2 घंटे 12 मिनट के स्पीच में पीएम मोदी शुरुआत के 1.5 घंटे तक जब मणिपुर के मसले पर नहीं बोले तब विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि इन्हें उम्मीद थी कि पीएम मणिपुर पर कुछ बोलेंगे, लेकिन काफी इंतजार के बाद भी नहीं बोले। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी को विवादास्पद बयान देने और गलत आचरण के लिए सस्पेंड कर दिया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो विपक्ष के इस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जो चर्चा हुई उससे ऐसा लगता है कि 2024 का एजेंडा सेट हो गया है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ बयानबाजियों को लेकर चर्चा है उस पर नजर डालिए। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। ये मोदी देश को गारंटी देता है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में मैं हिंदुस्तान को टॉप थ्री की पोजीशन में लाके रहूंगा। ये अविश्वास प्रस्ताव इंडिया अलायंस के एक सदस्य होने के नाते मैंने लोकसभा में पेश किया। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। लगभग 90 दिनों के करीब गुजरता हुआ मणिपुर में हिंसा को स्वयं नियंत्रण करने के लिए वो एक बार भी मणिपुर क्यों नहीं गए। के नो कॉन्फिडेंस मोशन हमने और बीआरएस पार्टी ने भी दिया था, जिसको स्पीकर साहब ने कबूल किया। और ये जो प्रधानमंत्री का जो भाषण हुआ है, रिप्लाई हुआ है नो कॉन्फिडेंस के ऊपर, या जितने भी भाषण प्रधानमंत्री के हुए हैं अब तक 9 साल में, ये सबसे बोरिंग है, अनइंस्पायरिंग है। और जो हम उम्मीद लगा रहे थे कि मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री मरहम पर, उस जख्म पर पट्टी लगाएंगे, उन पीड़ित महिलाओं को जिनका रेप हुआ है उनको एक आश्वासन देंगे, एतमाद में लेंगे उनको, उनको कॉन्फिडेंस देंगे, वो बिल्कुल नहीं है। मैं किसी व्यक्तिगत रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री के अपमान करने के लिए नहीं किया। मैं उदाहरण नजीर की तौर पे, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि मणिपुर में आग लगे हैं और सम्राट नीरव बांसुरी बजा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री की अपमान कर रहे हैं। एक नजीर की तरह, एक उदाहरण की तरह, एक मेटाफोरिकली ये कही जाता। तो चलिए, आज बेहद अहम चर्चा आज हम करने वाले हैं अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, और आगे अब क्या रणनीति सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से रहेगी। आज संसद की कार्यवाही का आखिरी दिन भी है, तो ऐसे में बैठकों का दौर भी संसद की कार्यवाही से पहले दोनों ही ओर से देखने को मिलेगा।